झारखंड बोर्ड 10वीं के नतीजे मंगलवार 21 जून को घोषित किए जा चुके हैं। आपको बता दें, 10वीं में जमशेदपुर के अभिजीत शर्मा ने स्टेट टॉप किया है। अभिजीत की इस कामयाबी पर परिवार में खुशी का माहौल है। बता दें कि अभिजीत के पिता अखिलेश शर्मा सुबह घर घर जाकर अखबार बांटते हैं और उसके बाद बढ़ई का काम करते हैं। उनकी इतनी आमदनी नहीं कि वो अपने बेटे को पढ़ा सकें, ऐसे में उन्होंने कर्ज लेकर बेटे को पढ़ाया है। बेटा भी पढ़ाई में काफी होनहार है। अभिजीत के पिता हर महीने करीब 10 से 12 हजार रुपए ही कमा पाते हैं। भले ही परिवार मुश्किलों में घिरा हो, लेकिन बच्चे की पढ़ाई को हमेशा प्राथमिकता दी गई है और इसी का नतीजा ये रहा कि अभिजीत 500 में से 490 अंक हासिल कर टॉपर बने हैं। अभिजीत बचपन से लेकर अब तक कभी भी क्लास में सेकंड नहीं आए हैं। उन्होंने हमेशा क्लास में प्रथम स्थान ही हासिल किया है। अब बेटे के स्टेट टॉप करने की एक अलग ही खुशी माता पिता के चेहरे पर साफ दिखते ही बनती है। बता दें कि मैट्रिक टॉपर बनने वाला जमशेदपुर का अभिजीत अपने माता पिता का इकलौता बेटा है। अपने बेटे की सफलता पर जहाँ माता पिता और उसके शिक्षक खुश हैं, अभिजीत बताते हैं कि वो पढ़ लेकर IAS बनना चाहते हैं। मैट्रिक की परीक्षा में स्टेट टॉप करने वाले अभिजीत शर्मा की कहानी भी संघर्ष से भरी है। अभिजीत अपने माता पिता के इकलौते बेटे हैं। एक वक्त ऐसा भी आया जब पिता का काम मंदा पड़ा था, तब अभिजीत खुद घर घर जाकर अखबार बांटने का काम करते थे। उनकी मेहनत और संघर्ष रंग लाई और बेटे ने स्टेट टॉप कर माता पिता का नाम रोशन किया है। घर की माली हालत सुधारने के लिए अभिजीत कभी कभी अपने पिता का हाथ बढ़े के काम में भी बटाते हैं। अभिजीत ने अपने पिता की मेहनत और मजदूरी को करीब से देखा है। उनके पिता बताते हैं कि आज उन्हें अपने बेटे पर गर्व है और उसकी पढ़ाई के लिए जितनी भी मेहनत उन्हें करनी पड़ेगी वो करेंगे। इस खबर में फिलहाल इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए आप बने रहें वन इंडिया हिंदी के साथ।